और अब रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है। धान खरीदी का आंकड़ा 13 लाख मीट्रिक टन पर, किसानों को करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ, जिसमें 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य तय किया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 13 लाख मीट्रिक टन पर 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हेमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हेमंत, धान खरीदी को लेकर विस्तृत क्या जानकारी अभी तक? देखिए दूसरा, 1 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हुई थी, और कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो सुचारू रूप से धान खरीदी का जो काम है वो खरीदी केंद्रों में हो रहा है। बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचकर अपना धान बेच रहे हैं और इसका भुगतान भी लगातार हो रहा है। अब तक की जो आंकड़ों की जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जो धान खरीदी का आंकड़ा है वो 13 लाख मीट्रिक टन पार हो गया है, और सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। और पूरी उम्मीद है सरकार को और अधिकारियों को कि जो लक्ष्य सरकार का है वो पूरा हो जाएगा। और अब तक बात की जाए तो किसानों को करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। जी लेकिन हेमंत, जैसा कि आपसे पहले हमारे संवाददाता हेमंत पटेल, उनकी तरफ से भी ये जानकारी आई थी कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर घोटाले की भी स्थिति सामने आ रही है, तो इसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण अभी तक किसी की तरफ से दिया गया है? और जी हेमंत, देखिए इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी सीधे तौर पर निर्देश दिया था कलेक्टर को, उसके बाद ही जाकर कलेक्टर ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात कही है। पुलिस को वहां पर प्रतिवेदन दे दिया गया है, जांच प्रतिवेदन, और उसके आधार पर FIR दर्ज कर दी गई है। और न सिर्फ जांजगीर चांपा बल्कि कुछ दिन पहले गरियाबंद से भी ये खबर निकल कर सामने आई थी, वहां पर लाठीचार्ज की तक की नौबत आई थी, किसानों और पुलिस के बीच बहस हुई थी। तो कुछ जगहों पर जरूर ये अनियमितताएं और ऐसी खबरें आ रही है दूसरा धान खरीदी को लेकर, और इसको लेकर सतत निगरानी खाद्य विभाग कर रहा है। हमारी बात कल खाद्य मंत्री से भी हुई थी फोन पर, उनका कहना था कि कुछ जगहों से जो खबरें आ रही है उसको ठीक किया जा रहा है, लेकिन कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है और धान खरीदी केंद्र में सुचारू रूप से जो खरीदी का क्रम है वो जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।